हेलो दोस्तों, 26 मई 2024 की रात गाजा के शहर राफा में इसराइल के द्वारा बमबारी की जाती है, जिसमें 45 पैलेस्टीनियन सिविलियंस की जान चली जाती है। कई लाशें आग में पूरी तरह जलती हैं और कई मासूम बच्चे मारे जाते हैं। बेबीज वेयर बेहेडेड। कुछ दिनों पहले ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑर्डर करता है इसराइल को कि वो अपने सारे मिलिट्री ऑपरेशन राफा में बंद करे, लेकिन उसके बावजूद भी इसराइल पीछे नहीं हटता। अब राफा में हालात कैसे हैं? राफा में रह रहे लोगों को इसराइल कैसे अपने आतंक का शिकार बना रहा है? दुनिया इस कत्लेआम पर कैसे रिएक्ट कर रही है? आइए जानते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। राफा गाजा का वो हिस्सा है जहां ऑलमोस्ट गाजा के मैक्सिमम लोग रह रहे हैं। 7 अक्टूबर को हमास के अटैक के बाद जैसे जैसे इसराइल गाजा पर अटैक करता गया, वैसे वैसे गाजा में रह रहे लोग राफा की तरफ बढ़ते गए। और आज हालात इतने खराब है कि राफा गाजा का मोस्ट डेंजरस एरिया है, जहाँ 10 लाख से ज्यादा लोग अकेले रह रहे हैं। राफा इजिप्ट से अपना बॉर्डर शेयर करता है, जहाँ राफा क्रॉसिंग गाजा और इजिप्ट को कनेक्ट करता है। यही वो इकलौता रास्ता है जिससे गाजा के लोगों को मदद पहुंचाई जा रही थी और इसराइल ने इसे भी सीज कर रखा है। 8 मई की ये न्यूज़ आप देखो, जिसमें अमेरिका कहता है कि वो इसराइल में वेपन्स की सप्लाई को बंद करना चाहती है, जिसमें 2000 पाउंड वाले 1800 बम थे और 500 पाउंड वाले 1700 बम। अमेरिकन प्रेजिडेंट जो बाइडन ने पहली बार सीधे शब्दों में कहा, अगर बेंजामिन नेतन्याहू राफा सिटी पर बड़े हमले का ऑर्डर देते हैं तो वह इसराइल को अमेरिकन वेपन सप्लाई रोक देंगे, जिसका इस्तेमाल उन्होंने गाजा में सिविलियंस को मारने के लिए किया। लेकिन ये सब अमेरिका का डोंग है, क्योंकि दूसरी तरफ जो बाइडेन कहते हैं कि वो इसराइल के साथ मजबूती से खड़ा है। अमेरिका का ये मुंह बस दुनिया को एक मैसेज दे रहा है, देखो हम ह्यूमन राइट्स के ठेकेदार हैं। जबकि अभी तक गाजा में जो भी अटैक्स हुए हैं, जो भी लोग मारे गए हैं, छोटे बच्चे और प्रेग्नेंट औरतों को जो मारा गया है, उन सारे अटैक्स में अमेरिकन वेपन्स का इस्तेमाल हुआ है। रिसेंटली राफा अटैक के बाद अमेरिकन पॉलिटिशियन निकी हैली इसराइल विजिट पर जाती है, जिसके बाद एक फोटो वायरल होती है जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो वो एक हथियार पर लिखती है, फिनिश देम। आप समझ रहे हो, इनकी नजरों में गाजा में रह रहे लोगों की कीमत कुछ भी नहीं है, वो बस पूरे फलस्तीन को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन आप इसराइल और अमेरिका दुनिया को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। राफा अटैक के बाद जो प्रोटेस्ट हमें दुनिया भर में देखने को मिल रहे हैं, वो अब इनके कंट्रोल से भी बाहर है। अब ये वीडियो आप देखो दोस्तों। उमर हमाद, जिनके पिता जिंदा आग में जलते हैं बिकॉज ऑफ इसराइल। अब यही बच्चा बड़ा होकर जब अपनी बाप की नाइंसाफी के लिए आवाज उठाता है तो इसराइल और अमेरिका जैसे देश इनको टेररिस्ट डिक्लेयर करते हैं। 7 अक्टूबर 2023, हमास इसराइल पर अटैक करता है, फायरिंग 5000 रॉकेट एट इसराइल, और पूरी दुनिया इसराइल के सपोर्ट में आती है। यहाँ पर मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इंडिया के बिगेस्ट यूट्यूबर ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत, सोज भाई मोहक, गौरव एटसेट्रा, कि अगर ये हमास जैसे अटैक पर तुरंत ही वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, वो भी कुछ ही दिनों में, तो मैं समझता हूँ इट इज़ दियर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो राफा जैसे कत्ले आम के बारे में लोगों को बताए। क्योंकि हम जानते हैं पिछले कुछ महीनों से कैसे यूट्यूबर्स BJP गवर्नमेंट को एक्सपोज कर रहे हैं, स्पेशली ध्रुव राठी, जिन वीडियोस पर करोड़ों पे व्यूज आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका मैसेज बहुत लोगों तक जाने वाला है। दैट इज माई पॉइंट। हमास अटैक के बाद ही 9 अक्टूबर से ही इसराइल ने गाजा पर टोटल ब्लॉकेड लगा रखा है, जिसका मतलब खाना, दवाइयों की सप्लाई, पानी और बिजली तक कट ऑफ की है इसराइल ने। ऊपर से हाल ही में इजरायली सोल्जर्स ने इजिप्ट के कुछ जवानों को मारा है, जिससे इजिप्ट और इसराइल की जो पीस ट्रीटी है अब 1979 वो भी टूट सकती है। May 10 UN जनरल असेंबली में वोटिंग होती है पैलेस्टीन को लेकर, जिसमें 143 कंट्रीज ने पैलेस्टीन के फेवर में वोट किया, 9 मुल्कों ने पैलेस्टीन के अगेंस्ट वोट किया और 25 कंट्रीज ने वोटिंग ही नहीं की, और इंडिया ने भी पैलेस्टीन के फेवर में वोट किया है। इस वक्त पूरी दुनिया पैलेस्टीन के साथ है, दुनिया भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब हालात कैसे रहते हैं ये आने वाले दिनों में पता ही चलेगा।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।